हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो है अपने टेक्स्ट को, यानी कि उर्दू फॉन्ट को, दो टाइपें होंगी, दो डिज़ाइन होंगे, एक नूरी निस्तलिक नॉर्मल, एक नफीस नॉर्मल को महर महर भी बोलते हैं, तो उनको आप किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। एक नया तरीका, एक तो वेबसाइट है कि आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ लिखने के लिए, यानी कि वो आपको PNG बना देती है, लेकिन आप लिखेंगे कैसे, उर्दू क्रोम पे कैसे लिखेंगे, या आपके पास कोई भी इन पेज है तो वहाँ पर तो लिखेंगे, तो आपके इन पेज चलाना नहीं आता तो कैसे लिखेंगे, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये काफ़ी कूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ पर जो वेबसाइट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो ये है, इस पे मैंने क्लिक किया, urdu/editor.blogspot.com। तो ये एक वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप उर्दू, इसके जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से आपको ये फ़ॉन्ट का डिज़ाइन मिल जाएगा, महर और नफीस, तो मेरा फेवरेट नफीस है। तो यहाँ से आप अब उर्दू लिख सकते हैं। ये देखें, इस पे जो आपको कीबोर्ड मिल रहा है तो आप के दबाएंगे, मुझे नहीं लगता ये के लिखेगा, बहरहाल ये देखें, यहाँ पर हमने के दबाया तो हाँ ये देखें लिख रहा है। जब मैंने ट्राई किया था तो तब ये नहीं लिख रहा था, तो यहाँ से अब आप जो है लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखें, तो इसको आप थोड़ा और छोटा कर देते हैं। चलें यहाँ पर, या आप देखें तो यहाँ पर ए दबाएंगे, यहाँ पर एल दबाएंगे, तो ये देखें सिंपल एक तरीका है जिससे आप लिख सकते हैं इसको। तो काल करें, लिखते हैं, ये नून नहीं है, करें से यहाँ हम एन बड़ा एन दबाएंगे तो काल, यहाँ से आपने गलती से जो है आगे पीछे कर दिया तो फिर मसला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो ये भी तरीका आसान है, मगर मुश्किल नहीं है। जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पर आप दूसरे पेज पे आएँ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखें ट्रांसलेट, और इसको जो है ट्रांसलेट को ओपन कर लें। यहाँ से आपको माइक का ऑप्शन मिल जाएगा, उर्दू सेलेक्ट कर लें या इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, जिसमें भी आपने बोलना हो। तो यहाँ पर उर्दू में आप बोल सकते हैं, मैं अभी नहीं इसको करूँगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये बंद हो जाएगी, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और है, अगर आपके पास इंग्लिश है, आप चाहते हैं कि इंग्लिश को आप उर्दू में कन्वर्ट करें, तो सिंपल तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपको इंग्लिश को कॉपी करें, यहाँ से पेस्ट कर दें, तो ये आपको उर्दू में दे देगा, और यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे आके यहाँ पर आपने कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर देना है। तो अब बारी आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखें इसके कलर्स भी हैं, आपको कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, उसी कलर में ये सेव हो सकता है। तो ये देखें ये कलर है इसका, यहाँ से आपको कोई कलर्स का अगर सही नहीं आ रहा तो आप नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कलर्स विद कोड सर्च करते हैं, तो ये देखें कोड भी आ सकते हैं इसके साथ, ये वाले अब रेड के लिए ये कोड यूज़ हो रहा है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर दोबारा से ले आते हैं कंट्रोल ऑल और वी, तो ये देखें प्रॉपर एक रेड कलर का जो है इसने बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखें, अब इसको आप मेहर में करें तो ये देखें अब इस फाउंट में आ चुका है, अगर आप इसको नफीस में करेंगे तो इस तरह से आ सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर और भी इनके जो हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनसे जो है करवा सकते हैं काम वगैरह, तो आप वो करवा लें। तो अब बारी आती है यहाँ पर इसको डाउनलोड PNG फाइल में करेंगे, तो ये देखें यहाँ पर अब ये फाइल हो गई है डाउनलोड। अगर ये देखें आप इसको जितना भी जूम इन जूम आउट करेंगे, इसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, इतनी हाई रेजोल्यूशन में ये सेव होती है कि आप क्या, ये देखें। अब मैं आपको किसी जगह इसको अप्लाई पे करके दिखाता हूँ। चलें मैं आपको यहाँ पर जो है
कोई और जगह जो है। एक मिनट यार, मैं यहाँ से आपको चलें कोशिश करते हैं कि पेंट में आपको करवा दें। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो मैं पेंट में आपको चेक करवा देता हूँ। इसको ओपन करेंगे, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें ऐसे, यहाँ से आप जो है, सॉरी इसको सेलेक्ट नहीं करना था, यहाँ से पेस्ट फ्रॉम पे आएँ और यहाँ पे डाउनलोड पे ये देखें, ये हमने डाउनलोड किया हुआ है। अब आप इसको कहीं भी, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसको अब ये देखें सेव हो चुका है। जूम आउट पहले होता तो फिर मैं इसको कम छोटा करके आप दिखा सकता था। तो जी गाइज, इस तरीके से आप उर्दू फॉन्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कैनवा पे यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप इस तरह से ऐड करके भी कर सकते हैं। तो जी गाइज, आज की वीडियो इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।